नोट नंबर 6, माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 6 या 15 या 24 को हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम चेक करेंगे इस न्यू मून और नवरात्र में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में क्या हैं जो ओवरकम नहीं कर पा रहे हो आप, और पॉजिटिव आउटकम तक आप रीच नहीं कर पा रहे हो। हम ये चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, लव लाइफ, एवरीथिंग। ओके, सो जो भी गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिलती है उसे ज़रूर से अप्लाई करें अपने लाइफ में, ताकि आप पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई नंबर 6। क्या ऑब्स्टिकल हैं इनके लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आउटकम ये रिसीव करेंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, दो कार्ड्स निकल गए, दोनों हम जरूर लेंगे क्योंकि दो निकल गए एक साथ। करियर के लिए बताएं डिवाइन। द वर्ल्ड, हेल्थ के लिए बताएं डिवाइन। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं डिवाइन। ब्लेसिंग्स क्या है डिवाइन, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स। थोड़ी सी आपकी पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे ताकि आप जो हैं रिलेट कर पाएं इस रीडिंग से। ठीक है, ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल जो एनर्जी आपकी है वो ये है। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ। सो यस, पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 6 वाले लोग जो हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अगर अट्रैक्टिव मीन्स यू नो देखने में जैसे भी हो नंबर 6 के लोग, लेकिन बहुत उनका ऑरा जो है अट्रैक्टिव होता है। ऐसे लोगों से हर लोग बात करना चाहते हैं, और ये लोग भी बहुत जल्दी जलप हो जाते हैं लोगों के साथ, बहुत मिक्सडअप हो जाते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ब्यूटीफुल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इन एंड आउट ब्यूटीफुल, यू नो शक्ल जैसी भी हो नहीं मतलब सुंदर ही होती है, लेकिन दिल के बहुत साफ और बहुत सुंदर होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं नंबर 6। एक ऐसे लोग होते हैं नंबर 6 के जो कि बहुत एज भी हो जाता है ना, फिर भी ये लोग रोमांस, यू नो अपने रोमांस को बहुत सुंदर से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो कि यंगस्टर्स भी नहीं कर पाएंगे इस तरह से वो अपने रोमांस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो नंबर 6 वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं अपने रोमांटिक लाइफ में, या फिर रोमांस को एक्सप्रेस करने में अपने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, जो कि बाकी नंबर्स के लोग नहीं कर पाते हैं। ओके, अच्छा, इनकी एज जो है वो भी नहीं दिखती है। तो अगर आप नंबर 6 हैं तो आपकी एज जो है वो नहीं दिखती होगी। आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं, जो ना बड़े भाई बहन हैं या फिर छोटे भाई बहन हैं, वो आपसे ज़्यादा एजेड दिखते होंगे, लेकिन आपकी एज जो है वो नहीं दिखती होगी। बहुत केयरिंग होते हैं नंबर 6 के लोग, बहुत रोमांटिक होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी को जीना जानते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, बहुत खुश रहने वाले और अपने आसपास के लोगों को खुश रखने वाले इंसान होते हैं ये। ठीक है, नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं नंबर 6 के, ये लोग जो हैं ब्यूटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, सुंदरता को, शक्ल जो होता है ना बाहरी सुंदरता को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, ओके,
और क्योंकि बाहरी सुंदरता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मन नहीं देखते हैं, चेहरा देखते हैं, ठीक है, तो इसलिए कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं, थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी, और जब होते हैं तो बहुत ज़ोर से होते हैं। ओके, फूडी भी होते हैं, नंबर सिक्स के लोग फूडी होते हैं और बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, और इसके चलते भी जो है बहुत जल्दी धोखा खा लेते हैं, ठीक है, बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेना, क्योंकि साफ दिल के होते हैं इसलिए बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, तो इसलिए बहुत धोखा भी खाते हैं नंबर सिक्स के लोग। ओके, सो ये आपकी पर्सनैलिटी है, और अब हम चेक करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन आपकी क्या है। सो ओवरऑल जो मुझे दिख रही है ना, एक मिनट, हाँ, ओवरऑल मुझे जो लाइफ की आपकी सिचुएशन दिख रही है वो है कहीं यू नो अपनों से कोई मतभेद ऐसा दिख रहा है मुझे, और आप थक गए हो, लाइक यू नो आप साथ रहना चाहते हो सबके, लेकिन कुछ ऐसे मतभेद जिससे कि आप टायर्ड हो गए हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये ओवरऑल लाइफ में हो सकते हैं आपके, आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कलीग्स के साथ, यू नो किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ कि आप थक गए हो, आपकी एनर्जी थोड़ी टायर्ड वाली एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी टायर्ड हो गए हो आप, थक गए हो आप, ठीक है, लेकिन आप साथ ज़रूर रहना चाहते हो, आप साथ ज़रूर चाहते हो सबका, लेकिन फिर भी बन नहीं रही है कुछ चीज़ें, यू नो आर्ग्यूमेंट हो जाती है या फिर लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, ऐसी दिक्कत मुझे दिख रही है ओवरऑल आपकी एनर्जी। नाउ करियर में जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं करियर में कहीं ट्रैवल करते मुझे दिख रहे हैं, कोई ट्रैवलर का बिजनेस हो सकता है आपका, ऐसा दिख रहा है मुझे, या फिर आपके करियर में एक बिग शिफ्ट, एक बिग चेंज आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस आपका हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, यस मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं, या तो आप ट्रैवलर का बिजनेस आपका है, ट्रैवलिंग का, ब्लॉगिंग का कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आप जो है किसी और कंट्री में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सो जो भी है आपके करियर में एक पार्टनरशिप मुझे दिख रहा है जो कि यू नो बहुत सक्सेस की तरफ जाता भी मुझे दिख रहा है, तो एक या तो आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रैवलर का हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग का हो सकता है, या फिर यू नो ट्रांसपोर्ट का हो सकता है, या फिर कुछ कुछ भी ऐसा जो कि आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, और कोई नया न्यू पार्टनरशिप आपकी यू नो आप प्लान कर रहे हो जिसमें कि मुझे बहुत सक्सेस दिख रही है, एक बिग चेंज, एक बिग शिफ्ट दिख रहा है। सो करियर आपका बहुत फुलफिल दिख रहा है मुझे, और ये हो सकती है आपकी ब्लेसिंग्स इस न्यू मून की और इस नवरात्र की, ठीक है। हेल्थ, मुझे हेल्थ भी आपकी बहुत ज़्यादा यू नो बैलेंस में आती दिख रही है, एक माइंड और बॉडी के बीच में जो एक स्ट्रगल थी आपकी, मुझे वो कहीं ना कहीं बैलेंस होती दिख रही है, और कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज थे आपको वो भी मुझे रिकवर होता दिख रहा है। तो यस, हेल्थ आपकी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, करियर भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, करियर में आपके कोई बिग शिफ्ट आने वाला है, ठीक है, वो कोई बिग एक चेंज आने वाला है जो कि बहुत सक्सेस की तरफ मुझे दिख रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड मेजर अरकाना है, ठीक है। सो यस, हेल्थ भी मुझे आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आप जो हैं कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और कन्फ्यूज हैं आप, दो चॉइसेस आपके पास हैं, आप कन्फ्यूज हो कि आपको कहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाने हैं, और क्रॉस रोड पे खड़े हो ऐसा दिख रहा है। सो ये या तो हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने के लिए आप ट्राई, आप आपको ऐसा लग रहा है कि अब्रॉड सेटल होना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, यू नो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या तो आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं, या फिर आप जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, तो या फिर कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, तो कोई दो चॉइसेस आपके पास हैं, क्रॉस रोड में आप खड़े हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको जाना किस तरफ है, कन्फ्यूज वाली एनर्जी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको हार्डवर्क कहाँ करना है, ठीक है, ऐसा। सो ऑब्स्टिकल मुझे यही दिख रहा है कि आप कन्फ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, यस कन्फ्यूज दिख रहे हो मुझे आप। ओके, ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए? ओवरऑल कोई ऑफर आपको ज़रूर मिलेगा, तो अगर आप अपने पार्टनरशिप के लिए देख रहे हो, अपने बिजनेस, अपने करियर के लिए कोई पार्टनरशिप, कोई ऑफर अगर आप चाह रहे हो किसी से, तो वो ऑफर आपको मिलता ज़रूर दिख रहा है मुझे। किसी पर्सन से अगर आप ऑफर चाह रहे हो, कोई मैरिज का प्रपोजल अगर आप चाह रहे हो, कोई सॉरी चाह रहे हो आप, वो भी आपको मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है, और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस भी आपकी चलती मुझे दिख रही है। तो ये एक ब्लेसिंग्स आपके लिए ज़रूर है कि इस टाइम पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो बहुत हाई पीक पर रहेगी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है, आप थोड़े से अग्रेसिव दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से यू नो
सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप सरेंडर कीजिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सरेंडर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप बैठिए, अपने ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, या फिर जिस देवी देवता को, जिस भगवान को, जिस शक्ति को भी आप मानते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए और सरेंडर कीजिए। उनसे बोलिए कि वो आपको गाइड करें और आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इल्यूशन है आपका, ठीक है, माइंड आपकी बहुत जगह घूम रहा है कि करना क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ओके, और लव लाइफ में जो दिख रहा है मुझे, करंट की सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि कोई आपकी तरफ आ तो ज़रूर रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एकदम करंट की सिचुएशन है ये, और आप किससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप जो है वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चेजिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चेज करते हों, यू नो, स्टॉक करते हों बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, वो आपके कंपैटिबल नहीं है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन आपके लिए उनकी बहुत पैशनेट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और एक ऑफर आपके लिए ज़रूर आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, जो कि दिख रहा है हमें ब्लेसिंग्स में। ओके, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है बहुत एक्टिव होने वाले हैं आपको लेके, और कुछ एक डिसीजन ज़रूर लेने वाले हैं आपको लेके, ऐसा दिख रहा है। एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे और कुछ ऑफर आपको ये ज़रूर देंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो ये इंसान आपको एक मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो ये एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में ज़रूर लेके आना चाहेंगे, जो कि फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। देखिए, आप अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके लिए कॉन्टैक्ट आ रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो कोई प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो भी आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। सो यस, लव लाइफ जो है मुझे यू नो फुलफिल दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है, आप जो हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, लेकिन फिर भी आप सक्सेस चाहते हो इस इंसान के साथ, और आपके पर्सन भी आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको घायल किया, उन्होंने आपको बिट्रेल किया है, आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया आपके साथ, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं इंसान, जो कि नहीं मिल रही है। इस रिश्ते में आप दोनों ही सक्सेस चाहते हो जो कि नहीं मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी सक्सेस चाहने के बावजूद भी आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये मे भी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि आप इनका वेट करें कि आप मूव ऑन करें, आप इनको दूसरा चांस दें कि आप मूव ऑन करें, ये एक कन्फ्यूजन हो सकती है आपकी, ठीक है। ओवरऑल ब्लेसिंग्स जो है ना आपकी, जो आउटकम आप रिसीव करोगे अपने लव लाइफ में, वो एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मैरिज यहाँ पे जो है मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको पता है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच, और यू नो आप बस साथ चाहते हो उस इंसान का, ठीक है। सो विल पावर जो है आप दोनों की बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आप यू नो आप ऐसे आपकी लाइफ होने वाली है कि जैसे आप दोनों प्लान करोगे वैसे अपनी लाइफ को आप लेके जा सकोगे, ठीक है। तो अपने लाइफ का चार्ज जो है आपके पर्सन जो है अपने हाथ में लेने वाले हैं, और यू नो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस इंसान को पता है कि आप इनके हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूर है यहाँ पे, ओके, ऐसा दिख रहा है। अभी की एनर्जी ऐसी है, ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, या फिर सिर्फ स्पाई कर रहे हो, सिर्फ स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आप दोनों ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बातें बंद हैं, या फिर यू नो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो फीलिंग्स को, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे पर नज़र बनाए रखे हो, ऐसा दिख रहा है, ओके। सो यस, ये है आपकी ब्लेसिंग्स एंड आपके ऑब्स्टिकल्स। आप ऑब्स्टिकल्स क्या है और ब्लेसिंग्स आप क्या रिसीव करने वाले हो। ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है कि यू नो आप कंफ्यूज दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। सो हम गाइडेंस एक देखेंगे आपके लिए कि क्या गाइड करना चाहते हैं आपको एंजल्स। प्लीज गाइड फॉर माय नंबर 6। ओके, अपने फूड में या पे अपने क्लोथ्स में रेड पिंक एंड वायलेट, सॉरी ब्लू वायलेट वाइट एंड पिंक ज़रूर ऐड करें, ताकि यू नो और ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स को या फिर पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। ये कलर्स अपने फूड में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो अपने लाइफस्टाइल में ये कलर्स को ऐड करें, ठीक है, इंक्लूड करें। Cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Wow, beautiful. देखिए ये जो manifest का card है, ठीक है,
मैजिशियन एक मैनिफेस्टेशन को बताता है, तो आप मैजिशियन की एक एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए हो सकती है। जैसे मैंने कहा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इस टाइम आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीक पे है, और जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, प्रोसेस जब होता है, तो आपकी जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में आप वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपके थॉट्स जो हैं बहुत मैग्नेटिक और बहुत पावरफुल हैं इस टाइम पे, और आप मिराकुलस चेंजेस जो हैं आप अपने लाइफ में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। सो अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें, और बहुत ज़्यादा अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। इस टाइम अगर आप दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, तो आपकी जो ब्लेसिंग्स आने वाली है आप उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लोगे। इसलिए अपने बारे में भी अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, ताकि आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल खत्म हो और आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओ। ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माई डियर व्यूअर्स। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं, तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।